एक्साइज 8.1। देखो सवाल समझो, फोन मत करिए बेटा, उसे छोड़ दो। सवाल नंबर एक मैं लिख रहा हूं यहां, त्रिभुज ए बी सी में उतार लो सब लोग, जिसका कोण बी समतल है, इसमें कोई चित्र आपको दिया नहीं है। इधर देखो बेटा, बाद में देखना कॉपी में, इधर देखो, कोई चित्र नहीं दिया। बात समझो उसकी क्या कहना चाह रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में है कहीं त्रिभुज? आएगा भी आएगा, जिसका कोण भी समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज बना, और इसका कोण भी कैसा है, समकोण की परिभाषा भी हमने बताई है ना, तो ये 90 डिग्री। अब त्रिभुज एबीसी, ए और सी कहाँ कहाँ होंगे, जहाँ चाहे वहाँ लगा दो, चाहे ए यहाँ लगा दो, चाहे ठीक है, ये तो आ ही जाएगा, यहाँ लगाओ तो ए बी सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो कन्फर्म होगा कि 90 के सामने ये कर दो, लंब है या आधार कौन है इसका निर्धारण करेगा कि हम किस कोण पे काम कर रहे हैं। अगर इस कोण पे काम करेंगे सी पर, तो लंब हो जाएगा ये ए बी, और अगर ए कोण पे काम करेंगे तो लंब हो जाएगा बी। इसमें आपके दिमाग से ये सवाल खेलेगा, कोण बदलेगा, कोण के आधार पे आपको निर्धारण करना होगा कि लंब कौन है और आधार कौन है, यही आपको सीखना है। इतनी सी बात सीख गए, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब आप देखो, आपसे पूछा किसका मान है, पहले देखो क्या क्या कहा है, ए बी का मान कितना है, ए बी कितना है, बी सी कण का मान याद, कण का मान नहीं पता, तो जब कण का मान हमें नहीं पता तो उसके लिए हम लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये फिर मैं याद रखू, पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस फिर में कर्ण स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमने ये कल विस्तार से समझाया भी था, चित्र बनाकर बताया था, और बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर इसको याद करने के लिए केवल आपको ध्यान से देखना है। जब तक, जब हम ये पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं तो किसे लंब लेना है किसे आधार लेना है ये हमें नहीं पता होता, हम किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसको आधार लेंगे, इसको लंब लें या इसको आधार लें। हाँ, कर्ण फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, कण हो जाता है। तो आधार लंब बताओ कितना है इसका, 24 दे दो, और आधार कितना है, 24 का वर्ग, आधा 150 तक के वर्ग याद कर लो, प्लस याद कर लो कितना बढ़िया रहेगा, प्लस 49 जोड़ो, और 625 सब, अगर तुम्हें वर्ग याद होगा 25 ठीक है, नहीं है तो 25 की 25 से गुणा करके देखो, आज जाकर 150 तक के वर्ग कॉपी में लिख लेना, 130 तक के घन लिख लेना, घन तो समझते हो, वर्ग का मतलब होता है, मान लो लिखा है 26 का वर्ग मतलब 26 गुणा 36, और 26 का घन मतलब 26 गुणा 36, इस तरह से लिखो 1 2 3 4 5 ठीक है। तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, मैंने आपको बताया था वर्ग से वर्ग कैसे कटता है, वर्गमूल लेके बताया था, अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये निशान लगाओ और मन ही मन में काट दो 25 के वर्ग से वर्ग कट गया तो कण किसके बराबर आ गया, 25 कोई दिक्कत है इसमें, भाई दोनों तरफ वर्ग लग रहा है तो वर्गमूल लेके कटेगा। अब हाई स्कूल में आ गए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला निशान
से हम समझ जाएंगे कि आपने वर्गमूल ले लिया है, और वर्गमूल लेके वर्ग से वर्गमूल काट के दिया। और हटाने में ये भी कह सकता हूँ कि वर्ग से वर्ग कट जाएगा, वो कहना गलत होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ गया? यानी के बराबर 25। आप सोच रहे होंगे कि भाई लंब और आधार क्यों नहीं लिख रहे, कर्ण को तो के कह दिया, एल और ए क्यों नहीं कहा है इसे? क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि किस कोण के लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम लंब और कर्ण का निर्धारण, आधार का निर्धारण नहीं कर रहे। जैसे हमें किसका मान निकालना है पहले, और आगे लिखा है कोण ए। साइन अपने आप में कुछ नहीं होता, साइन ए अपने आप में अनुपात बनता है। ठीक है, तो साइन ए बाद में सोचेंगे, पहले ये देखो भाई साइन ए कोण होता किसका अनुपात है, किसका होता है? कुछ बच्चे लिखते हैं साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब तक साइन का कोण नहीं लिखा जाएगा तब तक साइन का कोई मतलब नहीं है, अनुपात बनेगा ही तब जब कोण लिखेंगे। अब बताओ साइन ए, ए के लिए लंब कौन है? मैंने आपको बताया लंब होगा जो कोण के सामने वाली भुजा है, तो ए ये है, ए के सामने कौन है? भुजा। और कर्ण, कर्ण तो क्या होता है? लो मान के आप हो गया साइन ए का, कोई मेहनत लगी इसमें? 7/25। कोई दिक्कत? दूसरा देखो कॉस ए, तो कॉस देखो क्या है? आधार बटे कर्ण। ए के लिए ये तो लंब हो गया, ये कर्ण है तो आधार कौन हुआ? 24। आधार की जगह 24 बटे कर्ण की जगह 25। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हल हो गया पूरा, सेकंड पार्ट देख रहे हैं, सेकंड में है साइन सी, तो साइन तो लंब बटे कर्ण होता है, सी तो खाली ये बताने के लिए है कि लंब है कौन, सी है। अब सी के सामने ये लंब होगा 24, कितना हो गया लंब? 24। और कॉस सी आधार बटे कर्ण, सी के लिए ये लंब है, तो आधार कौन होगा? 7/25। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। आज आप जाके इसी सवाल की प्रैक्टिस करना, और इन सब बातों को समझना जो हमने बताया कि कोण लेके कैसे लंब और आधार का निर्धारण होता है, और बाकी सारा काम इससे हो जाता है। जादुई डिब्बा इसे याद रखें।